दोस्तों, ये है तुलसी का पौधा और मेरे गार्डन में तुलसी के पौधे की एक छोटा सा गार्डन भी बन गए हैं, क्योंकि मेरे पास ढेरों सारे तुलसी के प्लांट है। और आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से मेरे गार्डन में तुलसी की गार्डन बना दी। और दोस्तों, इसको बहुत ही इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आप सबको सीड से ग्रो करके दिखाऊंगी, लेकिन आप तुलसी की प्लांट को कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं मेरे घर की मंदिर में गोपाल जी को, राधा कृष्ण जी को पूजा करती हूँ, इसलिए मेरे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये तुलसी की प्लांट है, क्योंकि इनके जो पत्ते होते हैं वो भगवान जी को चढ़ाना पड़ता है। और दोस्तों, इस तरह से अगर आप तुलसी जी के पत्ते के ऊपर से पिंच कर देंगे तो ये प्लांट बहुत ही बुशी हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे सभी तुलसी जी की प्लांट बुशी भी है। ये देखिए, पॉट में दूसरी प्लांट है, उनमें देखिए ये छोटा सा एक गार्डन बने हैं। और ढेरों सारे तुलसी के प्लांट मेरे पास है और मैं आप सबसे वो कभी कभी शेयर भी करती रहती हूँ। तो मेरे गार्डन में इतने सारे तुलसी जी के प्लांट मैं कैसे ग्रो करती हूँ, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे ये पूछा है, तो उनके लिए ही आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं किस तरह से मेरे गार्डन में इतने सारे तुलसी जी के प्लांट ग्रो करती हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। ये देखिए कुछ प्लांट्स हैं जिनमें तुलसी जी के सीड्स बने हैं और ये सीड्स ब्राउन कलर के हो गए हैं, यानी कि ये सीड्स मैच्योर हो गए हैं। आप इसी सीड से ही न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और कुछ सीड देखिए ग्रीन है, तो ये अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। जो भी ये ब्राउन कलर के सीड्स बने हैं, इनमें छोटे छोटे सीड बने हैं, तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी किस तरह के सीड देखने में लगते हैं। और दोस्तों, इस सीड से आप चाय बनाकर भी पी सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और इसकी स्वाद भी बहुत ही बढ़िया होते हैं, अगर आप इसकी सीड से चाय बनाते हैं तो। तो ये जो सूखे सीड्स है, इसको थोड़ा सा क्रश करने पर ही ये देखिए छोटे छोटे तुलसी जी के सीड्स आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ, बहुत ही छोटे छोटे हैं, जो हम पोस्तो खाते हैं उसकी तरह ये ब्लैक कलर होते हैं। इसकी सीड्स भी बहुत ही गुणकारी होते हैं। तो मैंने पॉट में पहले से ही मिट्टी को तैयार करके रखी है, 50% गार्डन सॉइल और 50% वर्मी कंपोस्ट मिला के। तो इस मिट्टी में ही मैं पूरे चारों तरफ इसको इस तरह से छिड़क दूँगी। ये देखिए तुलसी के सीड्स को चारों तरफ छिड़क कर देना है। एक जगह पर अगर देंगे तो एक ही जगह पर ढेरों सारे प्लांट जर्मिनेट होगी, तो इसीलिए चारों तरफ देने से बहुत ही बढ़िया प्लांट ग्रो होगी। तो दोस्तों, सभी सीड से ही प्लांट ग्रो होते हैं, इसके सीड्स कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने तो बहुत बार मेरे गार्डन में इसी तरह से ही तुलसी जी की प्लांट को तैयार की है। तो सीड्स को इधर उधर कर दूंगी, मिट्टी को थोड़ा ऊपर नीचे, तो सीड अच्छी तरह से मिट्टी के नीचे चली जाएगी। तो आज है 10th May, तो मैं इस दिन मैं इस सीड्स को लगा रही हूँ। 5 से 7 दिन लगते हैं सीड से प्लांट जर्मिनेट होने में, तो इन दिनों मैं इसको रोज़ एक बार करके सिर्फ पानी दूंगी। थोड़ा सा मिट्टी ऊपर से लेकर भी इस तरह से आप छिड़काव करके हाथों से भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैंने कर ली है, अब बारी है पानी देने की। तो इस पॉट में आप पानी स्प्रेयर के सहारे भी दे सकते हैं और हाथों से छिड़क कर भी दे सकते हैं। तो मैंने पूरे पॉट में अच्छी तरह से पानी दे दी है। मिट्टी को गीला रखना है, इस बात की ख्याल रखिएगा, और इस पॉट को थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे जब इस प्लांट की जर्मिनेशन होगी। तो दोस्तों, आज है 15th May और देखिए पॉट में मिट्टी सूख गए हैं, तो मैंने तुरंत इसमें पानी दे दी है क्योंकि मैं घर पर नहीं थी। तो इनमें देखिए प्लांट जर्मिनेट होने लगे हैं छोटे छोटे। तो इस तरह से ही तुलसी के प्लांट जर्मिनेट होते हैं। तो दोस्तों, आज है 25th May और देखिए प्लांट ट्रू लीव्स भी छोड़ रहे हैं और कितने सारे प्लांट्स ग्रो हुए हैं। तो ये जब बड़े होंगे तो इस पॉट में भी एक गार्डन लुक आएगी तुलसी प्लांट की।
तो आप देख पा रहे हैं कितने सारे हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे डिफरेंस टाइप के प्लांट्स भी ग्रो हुए हैं, तो मैं उसको हटा दूंगी। और अब मैं इसको थोड़ा सा धूप में लाऊंगी, जहाँ पर छन के धूप आते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही दुख के साथ कह रही हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट चल रहे थे तुलसी जी को ग्रो करना सीड से, वो देखिए मेरे जो ससुर जी है वो ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि इस पॉट में एक हिबिस्कस की ब्रांच ग्रो किए हैं। मैंने उस दिन प्लांट कटिंग की थी, तो यहाँ पर जितने भी सारे तुलसी जी के प्लांट थे ज़्यादातर ही उखाड़ कर फेंक दिए हैं, और इसमें ये एक हिबिस्कस की ब्रांच लगा दिए हैं। तो प्रोजेक्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स अभी भी बाकी है। तो जितने भी प्लांट्स इनमें जर्मिनेट हुए थे उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे कम जो प्लांट ग्रो हुए हैं अभी तक है दो चार, उनको मैं आप सबसे शेयर करूँगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मुझे पूरा करना है। भले ही ज़्यादा प्लांट्स नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जितने भी हैं मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं फिर से आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो में पहले ही मैंने कही थी सीड से पूरे जर्मिनेट होकर तुलसी प्लांट को ग्रो करूँगी, सब कुछ दिखाऊँगी इस वीडियो में, इसीलिए। तो आज है जून महीने की 10th जून, और देखिए एक महीने में ये तुलसी जी के प्लांट कितने बिग साइज़ के हो गए हैं, और इनमें 6 लीव्स ग्रो हो गए हैं। ये देखिए, और भी जितने भी सीड्स थे वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर और भी ढेरों सारे सीड्स जर्मिनेट हुए थे, लेकिन वो सब भी नहीं है, जितना है उसी को ही मैं आप सबको दिखा रही हूँ। जो प्लांट अभी आप बिग साइज़ के देख रहे हैं वो पहले जर्मिनेट हुए थे, इसीलिए इसकी इतने सारे लीव्स ग्रो हो गया है, और प्लांट भी बहुत ही हेल्दी है। तो इस समय कभी भी आप उठाकर दूसरे पॉट में नहीं लगाएंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि प्लांट की हाइट जब 3 से 4 इंच हो जाएगी तभी आप यहाँ से उठाकर दूसरे पॉट में लगा सकते हैं, तो प्लांट अच्छी तरह से दूसरे पॉट में ग्रो होगी। अगर आप इस समय इसको उठाएंगे तो इसकी रूट्स टूट सकते हैं और प्लांट भी सूख जाएंगी, इसीलिए। तो इस पॉट में देखिए मेरे और एक प्लांट है जो बहुत ही बढ़िया ग्रो हुए हैं, और इसको मैं पिंच कर देती हूँ ऊपर से, इसीलिए ये प्लांट इतनी ज़्यादा बुशी है, और ग्रोथ भी अच्छी है और हेल्थ भी अच्छी है इस तुलसी प्लांट की। तो मेरे सभी तुलसी के प्लांट बहुत ही हेल्दी होते हैं, और आप लोग देख ही पाते हैं मेरे और दूसरे वीडियोज़ में तुलसी जी के प्लांट को। छोटे से प्लांट में जब इनमें फ्लावरिंग आ जाए तुलसी जी की, तब इसको छटाई कटाई कर दीजिएगा, तो आपके प्लांट बहुत दिनों तक ग्रोथ पे रहेगी और पूरे बुशी हो जाएंगे। और ये प्लांट अगर सीड बनाने में ध्यान देगा तो ये जो प्लांट है ये सूखने लगेगी। तुलसी प्लांट को धूप बहुत पसंद है, इसीलिए इस प्लांट को धूप में रखिएगा, लेकिन तेज़ धूप होगी तब इसको थोड़ा शेडी एरिया में रख दीजिएगा, नहीं तो इसकी जो लीव्स होते हैं वो बर्न हो जाएगी और येलो होकर गिरने लगेंगे, इसीलिए लाइट को थोड़ा समझकर ही दीजिएगा। और पानी रोज़ ही देना है एक बार करके, लेकिन विंटर सीजन में पानी आपको सोच समझ कर देना पड़ेगा, जब मिट्टी सूख जाएगी तभी आप इनमें पानी देंगे। महीने में एक बार एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप देख सकते हैं, और आप इसमें किसी भी फर्टिलाइज़र देख सकते हैं, जैसे कि सरसों की भिगोई हुई पानी और केले के छिलके की पानी, ये सब। तो दोस्तों, इस तरह से ही मैं मेरे गार्डन में तुलसी जी की प्लांट को ग्रो करती हूँ, आप लोग भी ग्रो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इजी टू ग्रो प्लांट है, और ये एक मेडिसिनल प्लांट है, और हमारे हिंदू धर्म में इस तुलसी जी के प्लांट को घर पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। मेरी तरह सीड्स को किसी तरह भी जुगाड़ करके लाइए और उसको अपने गार्डन में लगा दीजिए, तो देखेंगे आपके पास भी तुलसी जी के ढेरों सारे प्लांट ग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। हैप्पी हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए। फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।